सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। और भाई क्या हाल चाल, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन तो हो सकता है आप ये वीडियो भी स्मार्टफोन के ऊपर ही देख रहे हो यार, तो स्मार्टफोन तो ऑलमोस्ट 90% लोग जो आज की तारीख में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो स्मार्टफोन के ऊपर ही यूज़ कर रहे हैं। और कमाल की एक चीज़ है, और इतने सारे सॉफ्टवेयर, इतने सारे इंटरनेट की एप्लीकेशंस, इतनी सारी मतलब तमाम उल जलूल चीज़ें आज की तारीख में आप अपने फ़ोन के ऊपर कर सकते हो, गेमिंग वगैरह, इतना ही ज़रूरी हो गया इसको सेफ़ रखना। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब हम अपने फ़ोन के ऊपर कर पा रहे हैं, तो उसका सेफ़ होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपका, मैं मानता हूँ, फ़ोन से भी ज़्यादा कई बार आपका डाटा जो है, आपकी ईमेल जो है, आपका बैंकिंग अकाउंट जो है, इसके अलावा व्हाट्सएप की चैट हो गई, आपकी पिक्चर्स हो गई, दुनिया भर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज की तारीख में अपने फ़ोन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन को सेफ रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं, और बाय चांस उपराला ना करें अगर आपका फ़ोन कभी गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो कैसे उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट करते हैं हम स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है कि आप अपने फ़ोन के अंदर एक स्ट्रांग लॉक लगा के रखें। वैसे तो आज की तारीख में फिंगरप्रिंट स्कैनर लगभग सभी फ़ोन्स के अंदर आ गया है, यहाँ तक कि फेस अनलॉक फीचर भी लगभग सभी फ़ोनों के अंदर आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा एक एक्स्ट्रा लेयर अगर आप बना के रखें उसके अंदर, अगर आप एक स्ट्रांग सा उसके अंदर पासवर्ड डाल के रखें, तो डेफिनेटली आपको एज देखा, अगर आप किसी को फ़ोन देते हैं तो डेफिनेटली एक बार उसको ज़रूर वो कुछ ना कुछ कोशिश करता है, लेकिन अगर आपने एक स्ट्रांग पासवर्ड लगा रखा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किल हो जाएगा उस फ़ोन को खोलना, क्योंकि लेयर्स जितनी ज़्यादा हैं उतना ही ज़्यादा आपका प्रोटेक्शन बढ़ रहा है उस फ़ोन के अंदर। दोस्तों दूसरी अगर मैं बात करूँ तो कई बार हमारे को अपना फ़ोन जो है लोगों को देना पड़ता है, कई बार कहते हैं यार मेरे को एक कॉल करनी है, ज़रा दिखाइयो, ज़रा मेरा नेट नहीं चल रहा है, एक मिनट दिखाइयो ज़रा, और उसके बाद हम थोड़ा सा फील करने लगते हैं कहीं से मेरा व्हाट्सअप तो नहीं खोल ले, कहीं मेरा जीमेल खोल लिया तो, या फिर भगवान ना करे मतलब ये आपका बैंक अकाउंट की डिटेल वो खोल ले। तो ऐसे में आप एक ऐप लॉक करके एक सॉफ्टवेयर आता है, मतलब आप ऐप आती है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे वैसे काफ़ी सारी ऐसी ऐप आती हैं जो कि फ़ोन अनलॉक होने के बाद भी अगर आप किसी को फ़ोन देते हैं तो जो कॉन्फिडेंशियल ऐप हैं या फिर जो फोल्डर्स हैं वो उसको नहीं खोल सकता है अनटिल एंड अनलेस जब तक उसको पासवर्ड नहीं पता हो। तो ऐसे में ऐप लॉक करके एक सॉफ्टवेयर आता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि घर में एक बच्चे को जैसे फ़ोन देना है या फिर किसी और को फ़ोन देना है तो आप निश्चिंत होकर फ़ोन दे सकते हैं कि ले ले भाई कोई दिक्कत नहीं, जो आपको यूज़ करना वो यूज़ कर ले, एटलीस्ट मेरी ऐप तो कम से कम अलग से लॉक है तो उसको तो नहीं खोल पाएगा। दोस्तों इससे अगली अगर मैं बात करूं तो कई बार हम सोचते हैं कि यार जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस तरह की काफ़ी सारी एप्लीकेशन होती है जिसमें ऑटो आप पासवर्ड डला होता है, जब भी आप खोलते हैं तो काफ़ी आसानी रहती है, इंस्टेंटली आप देख लेते हैं जो भी उसमें अपडेट आती है। बट मैं आपको, मेरी तरफ से एक सजेशन है, अगर हो सके तो आप जब भी उनका यूज़ कर लें तो उसके बाद आप उससे लॉग आउट कर लीजिए। रीज़न उसके पीछे ये है, मान लीजिए आपकी कोई ईमेल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपका बैंकिंग का जो अकाउंट है आप कई बार उससे लॉग आउट करते नहीं हैं अपनी सुविधा के लिए कि भाई कोई बात नहीं अगली बारी करेंगे तो सीधा लॉग इन हो जाएंगे। लेकिन सपोज़ कीजिए कि एक बारी किसी ऐसे बंदे के हाथ में वो फ़ोन लग गया जो इसका फ़ायदा उठा सकता है और बाद में आपको परेशानी भी हो सकती है, तो ऐसे में लगता तो गिनती का एक सेकंड है, आप हर बारी उस ऐप से अपने आप को लॉग आउट कर लीजिए, अगली बारी करना तो पासवर्ड डाल के उसको लॉग इन कर लीजिए। तो ऐसे में आपको रहेगी काफ़ी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, खास करके जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं उनके बारे में। तो मैं, मेरा ये सुझाव है आपको कि अगर आप इस तरह की कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें से अपने आप को कर सकते हैं लॉग आउट एट द टाइम जब आपका काम उसमें से ख़त्म हो गया हो। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी सारे पासवर्ड जो है बना लेते हैं उसके बाद वो पासवर्ड हमें याद नहीं रहते हैं, ऐसे में मैं आपको एक सुझाव दूंगा, गूगल का पासवर्ड मैनेजर होता है, इसके अलावा काफ़ी सारी और भी ऐप आती हैं जैसे कि लास्ट पास करके हो गया, डैशलेन करके हो गया, इनमें क्या होता है आप कई बार जैसे पासवर्ड चेंज भी करते रहते हैं तो ये लास्ट पासवर्ड को आपके रिमेंबर रखता है, यहाँ तक कि गूगल का जो है उसमें तो लगभग वो सारे ही पासवर्ड को अपने अंदर रिमेंबर करके रखता है, तो आप उसमें सेटिंग्स में जाकर देख सकते हैं कि कब मैंने इस अकाउंट के लिए कौन सा पासवर्ड रखा था। तो बड़ी आसानी हो जाती है आपको अपने पासवर्ड रिमेंबर करने में। तो आप गूगल के जो जीमेल वाला अकाउंट होता है उसमें अकाउंट्स में जाके, सेटिंग्स में जाके अपने सारे के सारे जितने भी पासवर्ड आपने सेव किए उनको आप देख सकते हैं। अपने फ़ोन के अंदर आप पासवर्ड मैनेजर जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा ताकि कभी अगर आप कोई पासवर्ड भूलते हैं तो दोबारा से उसको याद करने, मतलब उसको देखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों काफ़ी सारे लोग आपको ये सजेशन देते होंगे कि मेरे फ़ोन में वायरस आ गया है, अच्छा सा एंटीवायरस यूज़ कीजिए। यहाँ पर मेरा एक सजेशन है आपको कि आप एंटीवायरस मत यूज़ कीजिए। देखिए एंड्रॉयड का जो अपने आप में जो सिस्टम है वो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है, ऐसे में एंटीवायरस डालने के बाद हो सकता है कई बार एंटीवायरस ही कोई ऐसा आप डाल लीजिए फ्री के चक्कर में जो आपके फ़ोन को नुकसान पहुँचा दे, आपकी स्पीड जो है उसको कम कर दे,
एंड्रॉयड अपने आप में काफ़ी सिक्योर फीचर आपको देता है, तो ऐसे में अगर आपको कोई बोलता है कि आप एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। हाँ, मैं आपको ये बोलता हूँ कि अननोन सोर्सेज से आप कोई भी ऐप डाउनलोड मत कीजिएगा, अपने फ़ोन को रूट मत कराइएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि रूट करा लीजिए, ऐसा कर लीजिए, अननोन सोर्सेज, जब भी कभी अननोन सोर्सेज से आपके यहाँ पे ऐप डाउनलोड करने के या इंस्टॉल करने के लिए जब ऑप्शन आता है तो हमेशा एंड्रॉयड का फ़ोन आपको एक पहले ही नोटिफिकेशन देता है कि इस तरीके की ऐप अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, हार्म भी आपको पहुंचा सकता है। तो अननोन सोर्सेज से आप बचिएगा किसी भी तरीके की ऐप को इंस्टॉल करने से। बाकी तो मुझे लगता है कि एंटीवायरस की ऐसी कोई खास जरूरत एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं होती है। दोस्तों, अगर अगले फीचर की मैं बात करूँ तो फ्री का वाईफाई किसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जब भी आपको कोई फ्री का वाईफाई मिले या फिर फ्री का ऐसा कोई नेटवर्क से आपको इंटरनेट चलाने के लिए मिले तो उसको अवॉइड कीजिएगा। हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ये बड़े इनसिक्योर प्लेटफॉर्म होते हैं जो फ्री के वाईफाई होते हैं, और ऐसे में जो आपके फ़ोन के अंदर बैंकिंग की या फिर मतलब कि कमर्शियल्स को लेकर कोई अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है, ईमेल आपकी कॉन्फिडेंशियल है, तो वो हैक करना मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ऐसे में आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आपको कोई फ्री का वाईफाई मिले तो उसको यूज़ करने से बचिएगा। हाँ, अगर कहीं पर WPA मतलब पासवर्ड वाली अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर पॉसिबल है, आपका 4G नेटवर्क अच्छे से काम कर रहा है थैंक्स टू जियो, अब तो लगभग हर जगह पर एक अच्छी खासी स्पीड वाला इंटरनेट आपको मिल जाता है, तो आप उस पे ज़्यादा रिलाई कीजिएगा इंस्टेंट आपको जो फ्री वाला वाईफाई नेटवर्क मिल रहा है उसके बजाय। दोस्तों, इससे अगले अगर मैं फीचर की बात करूँ तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम खुद ही फ़ोन को रख के भूल जाते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ़ोन कभी गायब हो जाए, तो ऐसे में अपने डिवाइस मैनेजर के अंदर फ़ोन ट्रैकिंग को ऑन करके रखिएगा। ये हर एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपको मिलता है। अगर आपका फ़ोन जो है किसी वजह से अगर मान लीजिए घर के अंदर भी गायब हो जाता है तो उसके अंदर आप जब रिंग का ऑप्शन करेंगे तो वो जहाँ पर भी होगा जो लाउडेस्ट रिंग में वो होता है वो करेगा अपने आप को, मतलब बजाएगा फ़ोन अपने आप को, और आपको मालूम पड़ जाएगा मेरा फ़ोन कहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा अगर फ़ोन आपका चोरी हो जाता है या फिर कहीं पर पिक्चर हॉल में रह जाता है या फिर कुछ भी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको अभी नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर पूरा ऑप्शन होता है कि आप जितना भी डेटा है उसको वाइप कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन की स्क्रीन पे एक मैसेज छोड़ सकते हैं कि अगर आपको ये फ़ोन मिलता है तो आप इस नंबर पे दे सकते हैं। अदरवाइज अपने फ़ोन को ट्रैकिंग करने के लिए उसे डिवाइस मैनेजर में ये भी होता है कि लास्ट इसकी जो लोकेशन थी वो कहाँ की है, तो डिवाइस मैनेजर अगर आपके फ़ोन में है जो लगभग एंड्रॉयड फ़ोन में सभी के अंदर आपको मिलेगा, गूगल की सेटिंग में जाके आपको बस लॉगिन करना होता है, तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को भी ट्रैक कर सकते हैं और खोए हुए फ़ोन को शायद, वैसे इंडिया में बहुत मुश्किल है खोया हुआ फ़ोन वापस मिलना, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो अपने फ़ोन को सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहो भाई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड थैंक यू फॉर 20,000 सब्सक्राइबर्स। भाई सच बताऊँ, 20,000 सब्सक्राइबर हुए ना, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मेरे को एक बूस्टअप मिला है कि मुझे रेगुलर वीडियो बनाने चाहिए। हालांकि जब मैंने वीडियो जो पहला बनाया था उसमें अड़ंग बड़ंग दुनिया भर के वादे मैंने कर दिए थे कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, Q&A सेशन रखूँगा, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं किसी भी वादे में पूरा नहीं रह पाया। फ़ोन आ गया मेरा, सॉरी यार, फ़ोन आ गया था। बट मैंने सोच लिया कि कुछ ना कुछ तो मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ और थोड़ा सा सरप्राइज रखने वाला हूँ। कुछ मैंने कमिटमेंट्स अपने आप से किए हैं और इस बारे तो मैं पक्का उनको पूरा करूँगा, मैंने ठान लिया है। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए दोस्तों, हमेशा की तरह आपने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आप यार भी सपोर्ट करोगे। और कमेंट्स में लिख देना यार जो भी तुम्हारे दिल में हो, जिस तरीके से चैनल इंप्रूव हो सकता है, आपके सजेशन जो है कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आपके जो है हमेशा से मैं उनका स्वागत करता हूँ और करता रहूँगा। और थैंक यू अपना टाइम देने के लिए यार, और मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।